क्या जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट भरने का जो समय है वो बढ़ गया है? तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई न्यूज एंड अपडेट नहीं आया लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के कि उसका भरने का डेट बढ़ गया है या फिर नहीं। लेकिन एक दो चीजें ऐसी हैं कि बहुत सारे स्टेट में लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करने का जो डेट है वो बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहां पे डेट बढ़ चुका है, वहां पे 23 दिसंबर तक लास्ट डेट हो गया। तो इसी तरीके से आप ये कह सकते कि अभी के टाइम पे ऐसा आसार है कि लाइफ सर्टिफिकेट का जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और वैसे भी सरकार को एक्सटेंड करना ही चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने ना तो अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है और ना ही अभी तक अपना इस फर्स्ट पेंशन पोर्टल में लॉग इन किया है। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो यही है कि वो जब बैंक में, इवन पीसीडीए का तो निर्देश आ गया कि आप बैंक में जाकर के लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर जमीनी स्तर पर देखें तो हमारे बहुत सारे पेंशनर्स जब बैंक में जाते हैं लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए तो बैंक वाले डायरेक्टली मना कर दे रहे कि अब लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास ऐसे हजारों कमेंट्स आए हुए हैं जहां पर पेंशनर जा रहे हैं लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने और उनका लाइफ सर्टिफिकेट वहां पर सबमिट नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने उनको यही गाइडलाइन किया है कि आप बैंक को बोलिए कि पीसीडीए का निर्देश आपको जमा करना होगा, अदरवाइज जो आपके पास जो ऑप्शन बच जाता है कि आप मैन्युअली लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं इस फर्स्ट पेंशन पोर्टल के थ्रू, या फिर जीवन प्रमाण का यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, इस एप्लीकेशन का भी यूज करके आप घर से बैठ करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप ETH इंडिया चैनल को फॉलो करते हैं तो हमने काफी डिटेल्ड में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई हुई है कि किस तरीके से आप आसानी से अपना लाइफ सर्टिफिकेट घर में बैठ करके सबमिट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आप इस फर्स्ट पेंशन पोर्टल में लॉगिन कैसे करेंगे, अपनी चीजों को अपडेट कैसे करेंगे, आधार कार्ड वैलिडेशन कैसे अपडेट करते हैं, अगर फेल्ड आ रहा है तो आपको किस तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना, सब कुछ हमने प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है। तो यहां पर मैं आपको कह सकता हूं कि लाइफ सर्टिफिकेट जो भरने का जो डेट की अगर हम बात करें तो लाइफ सर्टिफिकेट को आपको डेट एक्सटेंड हो या ना हो आपको फटाफट से सबमिट कर लेना है। अब चूंकि इसलिए ऐसा करना है क्योंकि डेट तो एक्सटेंड होगा, नो डाउट वो तो होना ही होना है, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी तक कोई आपके पास एक फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो डेट एक्सटेंड हो ही जाएगा, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट किसी भी तरीके से सबमिट कर लेना है, क्योंकि अभी बहुत सारे मोड्स हैं, अलग अलग तरीके हैं सबमिट करने के, आप किसी भी तरीके को फॉलो करके लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। अभी जैसे हमने रिसेंटली में एक वीडियो बनाया था जिसमें अभी हमारे पास 2-3 दिन पहले एक अंकल आए थे जिन्होंने अभी तक ना तो अपने स्पर्श पोर्टल में लॉगिन किया था ना ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था, तो उनको हमने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई थी कि किस तरीके से आप अपने सारी चीजों को फिल कर सकते हैं और 1 से 2 दिन के अंदर जो है उनका लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो स्पर्श पेंशन पोर्टल में अपडेटेड हो गया था। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो यही है दोस्तों कि फिलहाल लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र को भरने का जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं हुआ है। जब होगा डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको फिलहाल क्या करना है, अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर अभी आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन कर रहे हैं, तो आपका जो फर्स्ट वर्क है वो यही है कि आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर लेना है। अब बहुत सारे लोगों ने जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है वो अपना स्टेटस नहीं ट्रैक किया है, तो सबसे पहले मैं लॉगिन करके आपको एक चीज बता देता हूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद यहां पर आपको लाइफ सर्टिफिकेट पे आ जाना है और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट। ये जो है ये आपका प्रॉपर वे में 2023 शो होना चाहिए। अगर यहां पर ये शो हो रहा है इट मींस कि आपने जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट फिल किया है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया। अब एक चीज का और ध्यान रखना आपको कि बहुत सारे लोगों ने सबमिट तो कर दिया है और उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी हुई है। अब जैसे आपने डिसबर्सिंग एजेंसी सेलेक्ट करने में मिस्टेक कर दिया है, एक री एम्प्लॉयमेंट का मैसेज आता है उसमें भी लोगों ने भर दिया जबकि वो री एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तीसरा उन्होंने मिस्टेक किया कि स्पर्श या ईपीपीओ नंबर यूज नहीं किया, अपना पुराना वाला ईपीपीओ नंबर यूज किया है और आपका डेटा भी स्पर्श में माइग्रेट हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में गलतियां हुई हैं जिनकी वजह से आज भी आपका पेंडिंग शो कर रहा है। देखिए क्या है ना कि आप जब भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हो तो 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर यानी कि 2 दिन के अंदर आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो जाता है स्पर्श में, अगर आपने सारी चीजें सही भरी हैं। और अगर आपने कहीं मिस्टेक किया है, कुछ गड़बड़ हुआ है, तो वो आपको पेंडिंग में शो करता है। तो मैक्सिमम आप 1 वीक तक इंतजार करें, 8 दिन तक देख सकते हैं, 7-8 दिन में अगर वो अपडेट नहीं हो रहा है तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट में आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, दोबारा से आपको सबमिट करना पड़ेगा।
होगा और सही तरीके से सबमिट करना होगा। अब एक चीज का और ध्यान रखना कि अगर आपका आधार कार्ड वैलिडेशन जो है वो फेल्ड आ रहा है तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो आपको मैन्युअली सबमिट करना है। अब मैन्युअली कैसे सबमिट करेंगे वो आप इस यहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट में यहाँ पे इनिशिएट करेंगे तो एमएलसी नंबर मिल जाएगा। इसके ऊपर भी हमने काफी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि एमएलसी कैसे सबमिट करते हैं। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है बैंक में जमा करने का। इसके अलावा एमएलसी मैन्युअली सबमिट करने का कोई तीसरा तरीका नहीं है। या तो आप स्पर्श पोर्टल में मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कीजिए या फिर आप डायरेक्टली बैंक में जाकर के जमा कर सकते हैं। और जिन लोगों को अपना फर्स्ट टाइम आधार कंसेंट अपडेट करना है, वैलिडेशन अपडेट करना है, तो इसके बारे में हमने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, इसको आप चेक करें फर्स्ट टाइम हम कैसे सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। और आज से आप थोड़ा सा अपने स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करना भी सीख लीजिए। आपके घर में जो बच्चे हैं उनको भी बोलिए वो लॉगिन करके आपको सारी चीजें अपडेट कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यही आपसे कहना है कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2022 ही है। और अभी तक आपने सबमिट नहीं किया है तो सबमिट कर लीजिए। जो डेट बढ़ने की बात है तो वो ऐसा सिचुएशन माना जा रहा है कि वो डेट बढ़ेगा। वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अभी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो नहीं सबमिट कर पाए। लेकिन आप तक मेरी बात अगर पहुंच रही है तो आप अपना सबमिट एज सून एज पॉसिबल कर लें। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेरीज हो, कुछ भी अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं, कुछ अपना सुझाव या एडवाइस देना चाहते हैं, बिल्कुल बेहिचक हमारे साथ नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ कर प्रणाम सत्यकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।